हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ एनएमडीसी के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में बहुत ही ज्यादा बड़ी गिरावट आ गई है, इन्वेस्टर्स का काफी ज्यादा पैसा भी फंस गया है। और पिछले कुछ टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि आयरन ओर के प्राइजेस कंटिन्यू फॉल हो रहे थे, कमोडिटी के आयरन ओर के प्राइजेस, जिसके कारण शेयर गिरता हुआ आपको दिख भी रहा था। देखो, डायरेक्ट कनेक्शन आयरन ओर का एनएमडीसी से, एनएमडीसी का आयरन ओर का ही, अगर वहां से प्राइस गिरेंगे तो स्टॉक गिरेगा। तो उसके चलते एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गुड न्यूज है अगर आपके पास एनएमडीसी का स्टॉक है तो, या फिर आप फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं तो। देखिए, गुड न्यूज जो है उसके बारे में बताऊंगा, एनएमडीसी के टारगेट के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे लेवल्स के बारे में, और अगर आपको बाय करना है तो क्या होंगे बेस्ट लेवल्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, एनएमडीसी का स्टॉक 144 पे ट्रेड कर रहा है, और ये स्टॉक सबसे पहले अगर आप फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट जाके सबसे पहले बाय कर लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक 144 करंट मार्केट प्राइस से ही बाय करने की सलाह है। ठीक है, अब दूसरी बात कि स्टॉक में तेजी क्यों आएगी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, आयरन ओर से डायरेक्ट कनेक्शन है, और आयरन ओर के प्राइजेस में जो जंप आता हुआ दिखा है हमें कम्योडिटी प्राइजेस में, गाइस 14% ऊपर ट्रेड कर रहा है आयरन ओर का प्राइस, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में भी स्ट्रेंथ आती हुई दिखेगी। ठीक है, तो फ्रेश एंट्री तो आपने करंट मार्केट प्राइस से बना ली 144 से, आयरन ओर के प्राइसेस ऊपर है, इस कारण इस स्टॉक में बाय की रिकमेंडेशन है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, स्टॉक में गिरावट बहुत ही तंगड़ी हुई थी, 180 रुपए का शेयर 135 रुपए का हो गया, और मैंने आप सभी के साथ वीडियो भी शेयर करी थी कि 140 के नीचे शेयर वीक हो जाएगा, 135-130 तक जा सकता है, और स्टॉक अराउंड 133 तक गया भी था। ठीक है, उसके बाद बाउंस बैक आया और आज के दिन 140 के ऊपर दोबारा निकला। ये 140 को मैं इतना ज्यादा महत्व क्यों दे रहा हूँ, तो 140 जो है इसका 140 प्राइस जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज है, तो इसलिए इसको इतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। देखिए, अब जो स्टॉक है आपका 140 के ऊपर निकलते ही पहले बाय हो गया था, ऊपर से आयरन ओर के प्राइसेस इतने बढ़िया बढ़ गए हैं, 14% स्टॉक में जंप आना चाहिए, स्टॉक ऊपर में कहां तक जा सकता है। तो देखिए, गिरावट आई थी बहुत ही ज्यादा बड़ी, जेएसडब्ल्यू स्टील में गिरावट आई, रिकवर हो गया, टाटा स्टील में गिरावट आई, थोड़ा बहुत बढ़ गया, थोड़ा बहुत और रह गया है। अभी मुझे जो लगता है, पहला टारगेट 148 और दूसरा 152, इन लेवल्स तक स्टॉक को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। देखिए, एनएमडीसी की जो बात है, ये गिरता भी बहुत तेज है और बढ़ता भी बहुत तेज है, और ये जो है ना धीरे धीरे करके बढ़ जाता है, अचानक से धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं है 1 रुपए 2 रुपए जब आई, क्योंकि स्टॉक छोटा है। तो उस हिसाब से देखिए, जब मैंने वीडियो शूट करी थी 144 पे था, किसी ने बाय कर लिया होगा, तो 146 तक आ गया है शेयर, 145.60 का हाई लग चुका है स्टॉक में अभी अभी, और स्टॉक अराउंड 5.5% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में तेजी बनने की पूरी पूरी दम रखता है स्टॉक, 148 तक जा सकता है, और 148 से 52 का टारगेट होगा, और SL आप 140 पे ही रखिए अपना, 140 वही 200 DMA, तो वो आप सभी को समझ में आया होगा। तो इसलिए ये मेरी रणनीति है आप सभी के लिए NMDC के शेयर में। इसी के साथ साथ बात करें लॉन्ग टर्म के लिए, तो देखिए आज है फेड की मीटिंग। अगर आज फेड में आ गया कि भाई ठीक है, मेटल के दाम दोबारा ऊपर कर देते हैं, दोबारा ऊपर हुए तो स्टॉक में बहुत ज्यादा तेज अनाप शनाप तेजी आ सकती है, पैसा बन सकता है, और जिनकी भी पोजीशन ऊपर के लेवल में फंसी है उन सबके लेवल्स दोबारा आते हुए दिख सकते हैं। वहीं फेड में अगर नहीं आया कुछ मेटल स्टॉक्स के लिए, तो कहीं ना कहीं स्टॉक दोबारा से आपको लोअर लेवल्स पे ही दिखेंगे जैसे ट्रेड कर रहे हैं। और एनएमडीसी में आउटलुक जो है ब्रोकरेज हाउसेस काफी बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे नेगेटिव लग रहा है, जब अगर 140 के नीचे निकला तो नेगेटिव लगेगा, 140 के ऊपर पॉजिटिव है। फिलहाल बाय की रिकमेंडेशन है, बिकॉज आयरन ओर के प्राइसेस में काफी बड़ी तेजी आती हुई दिख रही है, और स्टॉक भी काफी बढ़िया है, मेटल स्टॉक लीड करते हुए दिख रहे हैं, कल भी भागे आज भी भागते हुए दिख रहे हैं, ये सारे कारण है जिसके कारण आप सभी को बाय करके जाना चाहिए एनएमडीसी में। तो ये थी मेरी वीडियो एनएमडीसी शेयर पे, आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, अगर कोई भी मेरी रिकमेंडेशन के द्वारा बाय या सेल करता है तो एक बार खुद भी चेक करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर बात करें, क्योंकि ये मेरा पर्सनल व्यू था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।